है और इसका ये लास्ट एपिसोड है जिसका आज हम लोग टीजर देखने वाले हैं। इसको काफी अच्छे व्यूज भी है तो रिक्वेस्टेड था, इसलिए आज हम लोग ये देखते हैं। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। आपने मुझसे कहीं ज्यादा दिल भाभी का दुखा है। मैंने उसका दिल नहीं दुखाया, उसका दिल तोड़ा है। किरची किरची करते हैं, इसलिए माफी नहीं मांग रहा कि टूटी हुई चीज दोबारा नहीं छूटते। वो कोई नई डिमांड लेकर नहीं आया था फयाज, वो सब कुछ वापस करने के लिए आया था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े कि वो ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ऐसा करके अपने आप को नैना की नजरों के सामने नहीं गिरा सकता। तुम्हारी आंखें सब पुकार पुकार के कह रही हैं कि नैना तुम्हारे लिए क्या है, इस समय पर कितने का मिलेगा तुमको? नैना मिल जाएगी नहीं? नैना को तुम जो वो मेरा दिल था जो लेटेस्ट एपिसोड जो था हम लोगों ने, एक्चुअली लास्ट एपिसोड सॉरी, जो अभी हम लोगों ने देखा। सो इसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक जैसे अभी हम लोगों ने देखा। और इसका स्टोरी ऐसा है कि जो नैना जिसके बारे में लोग बात करते हैं, सो वो जो होती है, जो मेन लीड एक्टर होता है, उसकी कज़न रहती है। और उन दोनों का सीन ऐसा रहता है कि वो दोनों शायद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समथिंग बताया नहीं, फैमिली की वजह से या कुछ जो होता है, उनके रिलेशन जो होते हैं वो नहीं ये कर पाते, उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना ये एपिसोड। और जैसे कि भाई लास्ट में जो है वीडियो के एंड में जैसे वो बंदे ने बोला कि भाई तुम्हें नैना मिल जाएगी, तुम्हें आंखों में दिखता है कि तुम्हें उसे कितना प्यार है समथिंग, तो थोड़ा इस स्टोरी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। द मदीहा इमाम इनका नाम है एक्चुअली मेन लीड एक्ट्रेस का जो नैना का रोल प्ले कर रही है। और नैना जो होती है वो एक बहुत प्यारी सी सिंपल सी लड़की होती है और उसके जो कज़न होता है अरहम, सो उनके साथ जो है उनका लव कनेक्शन होता है, सो उनसे बहुत प्यार करती है समथिंग ऐसे है। और अरहम का किरदार जो प्ले कर रहे हैं वो जो एक्टर हैं इनका नाम है फुरकान कुरैशी। सो उन्होंने भी बहुत अच्छे से ये जो रोल है वो प्ले किया है, जैसे इमोशंस है, ड्रामा है इस सीरीज़ में। सो अभी तक तो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, 2 साल पुराना ही एक्चुअली लास्ट एपिसोड था इनका, लेकिन रिक्वेस्टेड था इसलिए आज हम लोगों ने इस वीडियो पे जो है रिएक्शन वीडियो बनाया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से हाजिर होगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। क्या आप ये सीरीज़ दोबारा देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं फिर से हाजिर हूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।